गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने किया था चैप्टर टेस्ट का। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 8 से। एड रुपीज़ 33.88, रुपीज़ 2.15 एंड रुपीज़ 0.93। सिंपल एडिशन है। रुपीज़ 33.88, रुपीज़ 2.15। ध्यान रखना है इनको अरेंज करते समय सही जगह पर लिखेंगे, ठीक है। देन रुपीज़ 0.93। 5 and 3 8, 8 and 8 16 का 6 कैरी 1, 8 and 1 9 and 1 10 and 9 19 कैरी 1, 3 and 1 4 and 2 6 and 3। आंसर रुपीज़ 36.96। देन क्वेश्चन 9 इज सब्ट्रैक्ट रुपीज़ 5.48 फ्रॉम 43.21। रुपीज़ 43.21 5.48। 1 minus 8 नहीं होगा, इधर से बोरो लेंगे, ये रह जाएगा 1, ये हो जाएगा 11। 11 minus 8 3। ये 1 में से 4 माइनस नहीं होगा, बोरो लेंगे, ये रह जाएगा 2, ये बन जाएगा 11। 11 minus 4 7। 2 minus 5 नहीं होगा, 3, और ये 12। 12 minus 5 7, और 3 का 3। आंसर रुपीज़ 37.73। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। एंड्रयू वांट्स टू बाय एन एनसाइक्लोपीडिया कॉस्टिंग रुपीज़ 800.75। ही हैज़ सेव्ड रुपीज़ 512.50। हाउ मच मोर मनी डज ही नीड टू बी एबल टू बाय द बुक। क्वेश्चन का मतलब क्या है कि एंड्रयू एक एनसाइक्लोपीडिया ख़रीदना चाहता है जिसकी कॉस्ट है 800 रुपीज़ 75 पैसा। उसने कुछ मनी सेव की हुई है 512.50, ठीक है। तो हाउ मच मोर मनी डज ही नीड टू बी एबल टू बाय द बुक, कि उसको और कितनी बुक की कितने पैसे की ज़रूरत है जिससे कि वो इस बुक को ख़रीद सके। तो क्या करेंगे, जो उस बुक का कॉस्ट है उसमें से उसने जो सेव किया हुआ है उसको माइनस कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि उसको और कितनी मनी की ज़रूरत है, ठीक है। सो सॉल्यूशन इसका लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ एनसाइक्लोपीडिया इज इक्वल टू रुपीज़ 800.75, ठीक है। अब मनी ऑलरेडी सेव्ड, मतलब पहले से जो सेव्ड मनी है वो कितनी है, रुपीज़ 512.50। देयरफोर मनी मोर मनी नीडेड इज इक्वल टू रुपीज़ 800.75 माइनस रुपीज़ 512.50 इज इक्वल टू, अब यहाँ इसके लिए हम यहाँ माइनस करेंगे, रुपीज़ 800.75 माइनस रुपीज़ 512.50। 5 minus 0 5, 7 minus 5 2 point। नाउ ये इससे बोरो लेगा 10, ये रहेगा 7, ये इसको बोरो देगा 10, और ये रहेगा 9। 10 minus 2 8, 9 minus 1 8 एंड 7 minus 5 2, ठीक। तो कितना मनी उसको और ज़रूरत है, रुपीज़ 288.25, ठीक है। तो इसके आंसर के लिए ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं, ये MCQ है, 4 आंसर्स दिए हैं, उसमें से हमें टिक करना है। तो उसके लिए हमें पहले फाइंड आउट किया, अब हम टिक करेंगे। तो 4 आंसर्स हमें दिए हैं। फर्स्ट है रुपीज़ 28.25,
सेकेंड है रुपीज़ 298.52, थर्ड है रुपीज़ 288.25 एंड लास्ट ऑप्शन है रुपीज़ 290.25। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है, रुपीज़ 288.25, तो हम सी पार्ट को टिक करेंगे। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर टेस्ट। 12th क्वेश्चन हमने बुक में कर लिया था, है ना, तो ये लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर टेस्ट का। मोहित बॉट 6 सिमिलर बैग्स ऑफ मार्बल्स फॉर रुपीज़ 315.60, हाउ मच डिड 2 सच बैग्स कॉस्ट। मोहित 6 एक से बैग लेके आता है मार्बल्स के, जिसकी कॉस्ट है 315 रुपीज़ 60 पैसा। हाउ मच डिड 2 सच बैग्स कॉस्ट, तो ऐसे 2 बैग्स की कॉस्ट क्या होगी। यहाँ पर हमें 6 बैग्स की कॉस्ट बताई है और 2 बैग्स की कॉस्ट हमसे पूछी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 1 बैग की कॉस्ट मालूम करेंगे, है ना, तभी तो हम 2 की फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 6 बैग की कॉस्ट हमें मालूम है, 1 की कॉस्ट मालूम करने के लिए टोटल कॉस्ट को 6 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पता चल जाएगा कि 2 बैग्स की कॉस्ट कितनी है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 6 बैग्स इज इक्वल टू, 6 बैग्स की कॉस्ट कितनी है, रुपीज़ 315.60। ठीक है, सो इसको हम डिवाइड करेंगे 6 से 1 बैग की कॉस्ट मालूम करने के लिए। देयरफोर कॉस्ट ऑफ 1 बैग इज इक्वल टू रुपीज़ 315.60 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, 6 से यहाँ इसको डिवाइड करते हैं, 315.60, 6 5 जा 31, 5 आया नीचे, 6 2 जा 12, 3.636, 6 6 जा 36, 0 और ये नीचे 0 एंड 6 0 जा 0, कंप्लीट। क्वेश्चन क्या आया हमारा, 52.60, इट मीन्स रुपीज़ 52.60 हुई कॉस्ट 1 बैग की। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, 2 बैग्स की कॉस्ट। अब लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 बैग इज इक्वल टू 52.60, देयरफोर कॉस्ट ऑफ 2 बैग्स इज इक्वल टू रुपीज़ 52.60 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो हमें 2 बैग्स की कॉस्ट पता चल जाएगी। ठीक है, तो रुपीज़ 52.60 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 2 जा 4 एंड 1, 5, 2 5 जा 10। ठीक, अब यहाँ 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, तो हम भी 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो 2 बैग्स की कॉस्ट कितनी हुई, रुपीज़ 105.20। ठीक है, ये भी एमसीक्यू का क्वेश्चन था, इसलिए इसमें भी 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो करेक्ट आंसर है उस पर हमें टिक करना है। फर्स्ट ऑप्शन इज रुपीज़ 52.60, सेकेंड ऑप्शन इज रुपीज़ 105.20, थर्ड ऑप्शन इज रुपीज़ 26.30 एंड फोर्थ ऑप्शन इज रुपीज़ 78.90। तो हमारा आंसर क्या है, 105.20, इट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जो आज मैंने अब आपको करवाए हैं, क्वेश्चन 8, 9, 10 एंड 11, इनको आप आज कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ हमारा चैप्टर 8 फिनिश होता है। अब इसके आगे जो है हम लोग या तो रिवीजन करेंगे,
या अगर आपको कोई डाउट्स हो तो क्लास में आप वो पूछ सकते हैं, ठीक है।